हेलो क्लास, लास्ट लेक्चर में हमने एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस पढ़ा था, जिसमें रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, वाइट फास्फोरस को हमने कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है कंपाउंड ऑफ फास्फोरस। अगर फास्फोरस के कंपाउंड की बात की जाए तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड आता है हमारा फॉस्फीन, जिसका फॉर्मूला होता है PH3। ऑलराइट, फॉस्फीन। फॉस्फीन क्या हमें यहाँ पर लेबोरेटरी मेथड पढ़ना है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ लेबोरेटरी मेथड। इसके अलावा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए गाइज, हेडिंग लगाइए प्रिपरेशन मेथड ऑफ फॉस्फीन, जिसमें आपका प्रिपरेशन मेथड सबसे पहले आएगा लेबोरेटरी मेथड। यहाँ पर लिखिए प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मेथड ऑफ PH3 और फॉस्फीन। लेबोरेटरी मेथड, मैंने ये चीज पहले ही क्लियर किया था कि जब भी हम लेबोरेटरी मेथड एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना है थ्योरी। ऑलराइट, सबसे पहले इसमें आपका आएगा थ्योरी। फॉस्फीन बनाने के लिए हमें कुछ कंपाउंड चाहिए, तो लेबोरेटरी मेथड में जब भी हम फॉस्फीन को प्रिपेयर करेंगे तो वहां पर हमें व्हाइट फॉस्फोरस की जरूरत पड़ेगी और प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब भी व्हाइट फॉस्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाए निष्क्रिय वातावरण, लाइक कि CO2 तेल गैस से उसको विस्थापित कर दिया जाए, तो वहाँ पर हमें फॉस्फीन गेन हो जाते हैं। ऑलराइट, तो थ्योरी में आप अपने वर्ड में लिख दीजिए, लिख सकते हैं यहाँ पर कि व्हाइट फॉस्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करने पर या क्रिया कराने पर फॉस्फीन गेन होती है। ठीक है, चलिए ये आप अपने वर्ड में लिखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा आपका रिएक्शन। लेबोरेटरी मेथड लिखने के लिए थ्योरी के बाद आपको केमिकल रिएक्शन पुट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन लिखिए इस पे। लेबोरेटरी मेथड बनाने के लिए, फॉस्फीन बनाने के लिए लेबोरेटरी मेथड में हमें फॉस्फोरस चाहिए, P4, यहाँ पर हमारा वाइट फॉस्फोरस होगा, प्लस हमें कॉन्सेंट्रेटेड NaOH चाहिए एंड देन H2O। दे विल रिएक्ट विथ इच अदर एंड विल फॉर्म NaH2+PH। क्लियर है, P4 ये आपका वाइट फॉस्फोरस है, NaOH दिस इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaH2PO2 ये है आपका सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ठीक है, तो इसे लिखेंगे सोडियम हाइपो फॉस्फाइट। ठीक है, और ये PH3 आपका फॉस्फीन है। चलिए इसे बैलेंस कर लीजिए, आपका बैलेंस नहीं है। क्लियर है इतना? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो हम यहां पर बना रहे हैं फॉस्फीन। दिस इज द कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फीन बनाने की सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यहाँ पर लेबोरेटरी मेथड है, जिसमें सबसे पहले आप थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी में आप ये लिखेंगे कि जब भी सफ़ेद फॉस्फोरस को या वाइट फॉस्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो PH3 फॉर्म होती है। ठीक है, देन आपका केमिकल रिएक्शन आएगा। केमिकल रिएक्शन P4+3NaOH+3H2O। ठीक है, दे विल रिएक्ट विथ इच अदर और क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ पर हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट गेन हो रहा है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ये 3NaH2P2O PO2 ये आपका सोडियम हाइपोफॉस्फाइट है एंड देन PH3 हमें यहाँ से गेन हो जाएगी। क्लियर है इतना? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए इसके मेथड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, ऑलराइट गाइस, केमिकल रिएक्शन के बाद यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है। जब भी लेबोरेटरी मेथड आपसे पूछेगा आप बाय स्टेप इसी तरह से इसे लिखेंगे। अब डायग्राम में देखिए, यहाँ पर हमारा एक एपरेटस है। ऑलराइट, तो इस एपरेटस में एक राउंड फ्लास्क है, ये एक राउंड फ्लास्क है। इस फ्लास्क में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो ये आपका हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इस फ्लास्क में हमने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ फॉस्फोरस के टुकड़े डालेंगे, ये हमने कुछ पीसेस डाल दिए फॉस्फोरस के। ठीक है, अब फॉस्फोरस के टुकड़े डाल दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर ऑलरेडी हमने भर कर रखा था फ्लास्क में, फिर इसे हम हीट करेंगे।
ठीक है, हीट करेंगे, और हाँ यहाँ से हम CO2 गैस यहाँ पर भेजेंगे। क्यों CO2 भेजें? ताकि एयर वगैरह जो हो वो बबल्स ना बने और वो एयर जो है वहाँ से हट जाए, ठीक है, या फिर तेल गैस भी भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये रिएक्शन स्टार्ट होगा और यहाँ से आपकी फॉस्फीन बनना शुरू होगी। इस फॉस्फीन को हम सेकेंड यहाँ पर एक हमने, ठीक है, तो यहाँ से देखिए फॉस्फीन बनना स्टार्ट होती है और इस फॉस्फीन को यहाँ वाटर के थ्रू हम इसे सेपरेट कर लेंगे। ओके, जैसे ही फॉस्फीन इस वाटर के कांटेक्ट में आती है ये धुआं बनाते हुए सेपरेट होने लगती है। अच्छा, ये जो वाइट स्मग बन रहा है ना ये रिंग स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, धुआं बनेगा तो इस तरह से धुआं उठेगा, ऐसे ऐसे करके रिंग बनाता हुआ धुआं उठता है, तो इसे बोलते हैं वॉर्टेक्स रिंग। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, ये जो स्मग बन रहा है वाइट कलर का धुआं बनेगा इसे बोलते हैं वॉर्टेक्स रिंग। ठीक है, वॉर्टेक्स रिंग। तो अगर क्वेश्चन आया ये वॉर्टेक्स रिंग क्या है, तो एक्चुअल में जो फॉस्फीन होती है ना, प्योर फॉस्फीन, वो ज्वलनशील नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाने लगती है, तो वैसे ही ये स्मोक फॉर्म में ऐसे रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाते हुए उठने लगता है, धुआं वहां से उठने लगता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को ही वर्टेक्स रिंग कहा जा रहा है, जो धुएं नुमा रिंग नुमा जो धुआं होता है, ठीक है, रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाते हुए जो धुआं उठ रहा है उसे ही वर्टेक्स रिंग कहते हैं। क्लियर है इतना? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेथड आप अपने वर्ड में लिख लेंगे कि राउंड फ्लास्क लेना है, उस राउंड फ्लास्क में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, उसके बाद उसमें फॉस्फोरस के कुछ टुकड़े डाल देंगे, फिर उसे हीट करना स्टार्ट करेंगे। हीट होने के बाद फॉस्फीन जो है वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आती है और वाटर के कॉन्टैक्ट में आते ही ये स्मोक बनाती है, एक धुआं रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाते हुए धुआं उठता है जिसे वर्टेक्स रिंग कहा जाता है। क्लियर है इतना? ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए और हेडिंग लगाइए फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन। फॉस्फीन के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कलरलेस गैस होती है, इट इज अ कलरलेस गैस, कोई कलर नहीं होता इसका। इसकी जो स्मेल होती है ना वो रॉटन फिश जैसी होती है, ठीक है, तो स्मेल लाइक अ रॉटन फिश, स्मेल लाइक अ रॉटन फिश। और थर्ड आपने उसी में देखा कि इसे वाटर के थ्रू सेपरेट किया जाता है, तो दैट मीन्स इट इज अ इनसॉल्युबल इन वाटर, तो लिखोगे इट इज इनसॉल्युबल, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इट इज अ कलरलेस गैस, स्मेल लाइक अ रॉटन फिश, सड़ी मछली जैसी इसकी स्मेल होती है और ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फीन, मिटा दो इसे। स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फीन, ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फीन। देखिए फॉस्फीन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर अमोनिया के जैसे ही होता है, फॉस्फोरस इट इज अ सेंट्रल एटम जिसमें लोन पेयर आपका हो गई होगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो अमोनिया जैसा ही होता है। ओके, अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो फॉस्फोरस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, ठीक है, बट बॉन्ड एंगल जो होता है वो अमोनिया से कम होता है, बॉन्ड एंगल इसका होता है 94 डिग्री। क्लियर है? और इसका स्ट्रक्चर होगा पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है, तो फॉस्फीन के स्ट्रक्चर जो होती है वो पिरामिडल होती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और 94 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल बनाता है।
क्लियर है इतना? चलिए ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्लियर है इतना? ओके तो गाइज ये था आपका फॉस्फोरस का कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारा फॉस्फीन, जिसमें प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी और इसका स्ट्रक्चर हमने देखा। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए हेलाइड ऑफ फॉस्फोरस, जिसमें फॉस्फोरस के दो हेलाइड होंगे PCl3 एंड PCl5। ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में देखा था कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इनके जो हेलाइड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो जनरली हेलाइड्स जो होते हैं वो MX3 और MX5 टाइप्स के बनाते हैं। नाइट्रोजन में MX5 पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं थे, बाकी सभी में ये MX5 टाइप्स के हेलाइड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हम फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक, बिस्मत इसमें जाते हैं तो हेलाइड तो बनते हैं बट तुरंत ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सी हेलाइड बना देता है जो कि स्टेबल नहीं होता। क्लियर है? तो चलिए अब हेडिंग लगाइए हेलाइड ऑफ फॉस्फोरस। हेलाइड ऑफ फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस दो तरह के हेलाइड्स बनाता है, MX3, MX5। ठीक है, MX3 लाइक PCl3 दैट इज अ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, MX5 दैट मीन्स फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ पर हमें हेलाइड ऑफ फॉस्फोरस में इसकी प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर ये हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हेडिंग लगाइए फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्लियर है? चलिए हेडिंग लगाइए फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड लेबोरेटरी मेथड पहले इसका देख लेते हैं। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाने के लिए हमें व्हाइट फॉस्फोरस लेना है और क्लोरीन के साथ उसे रिएक्ट करा देना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मेथड ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिया व्हाइट फॉस्फोरस। देखिए अगर हम लेबोरेटरी मेथड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस पर थ्योरी लिखनी है, तो थ्योरी आप लिख लेंगे अपने शब्दों में। एक मिनट, हाँ पहले हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, तो लेबोरेटरी मेथड में सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे आप। थ्योरी क्या होगा कि फॉस्फोरस को लगातार क्लोरीन की उपस्थिति में क्रिया कराने पर या लगातार क्लोरीन की प्रेजेंसी में फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस PCl3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए केमिकल रिएक्शन लिखिए आप। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो ये हमने लिया फॉस्फोरस और हमने क्लोरीन से कंटिन्यू इसे क्लोरीन दिया, व्हाइट फॉस्फोरस को कंटिन्यू क्लोरीन देते रहे और ये कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें, PCl3, मतलब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया PCl3। ओके, इट इज़ अ बैलेंस और नॉट? ऑफकोर्स नॉट। तो चलिए इसे बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर चार फॉस्फोरस है तो चलिए यहाँ पर 4 लगा दीजिए। हमारा 4 फॉस्फोरस कंप्लीट हो गया, 4 3 12, 12 क्लोरीन है। चलिए यहाँ पर 6 कर दीजिए, 12 क्लोरीन यहाँ पर हो गया, तो बैलेंस्ड हो गया। चलिए ये हमने क्या किया, व्हाइट फॉस्फोरस लिया, लगातार क्लोरीन के प्रेजेंसी में फॉस्फोरस हमारा PCl3 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? ओके, यहाँ पर PCl3 हमें गेन हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम आप देख लेंगे। राउंड फ्लास्क लेना है, उस राउंड फ्लास्क में आप फॉस्फोरस के कुछ टुकड़े डाल देंगे और फिर कंटिन्यू आपको क्लोरीन वहाँ पर भेजना है। उसके बाद क्लोरीन के प्रेजेंसी में फॉस्फोरस जो है वो रिएक्ट करेगा और देन इट विल बी कन्वर्टिंग PCl3। अच्छा, PCl3 की बात हो रही है तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को आप जो आइस वाटर होता है उस आइस वाटर पे रख के इसको कंडेंस्ड करके गेन करेंगे। ठीक है, ये वेपर के फॉर्म में नहीं मिलेगा, इसको आपको लिक्विड के फॉर्म में गेन करना है। तो लिक्विड के फॉर्म में गेन करने के लिए इसे क्या करना है, बस जो भी यहाँ से वेपर बनेगी उस वेपर को हम
दूसरे जो भी फ्लास्क होगा उसमें लेना है, उस फ्लास्क को हमको आइस वाटर पे रखना है जो कि कंडेंस्ड होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है इतना? ठीक है, मैं एक बार बता देती हूँ, दिख रहा नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बताती हूँ। हो गया? चलो, ये एक राउंड फ्लास्क ले लेंगे हम, ठीक है। यहां पर हम कुछ बर्फ के टुकड़े डाल देंगे, ठीक है। ये कुछ बर्फ के टुकड़े हो गए, और यहां पर हम दूसरा फ्लास्क रख लेंगे। यहां पर बर्नर लगा दीजिए, ठीक है। ये स्टैंड हो गया, स्टैंड से इसको बाइंड अप कर दीजिए, और यहाँ से एक पाइप लगाइए, और उस पाइप में आपको भेजना है क्लोरीन, ठीक। एक राउंड फ्लास्क लिया, उस राउंड फ्लास्क में हमने क्या किया, फॉस्फोरस के टुकड़े डाल दिए, ठीक है। तो ये हमारा फॉस्फोरस के कुछ टुकड़े हैं, ठीक है, पीस ऑफ फॉस्फोरस हो गया। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक मिनट, ऐसे, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि कंटिन्यू हम क्लोरीन भेजेंगे, तो ये फॉस्फोरस इस क्लोरीन के कांटेक्ट में आएगा और यहाँ से PCl3 की वेपर जाएगी, और जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा तो ये फ्लास्क हमारा ऑलरेडी आइस वाटर पे रखा हुआ है, तो यहाँ से ये वेपर कंडेंस्ड होगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से हमारा PCl3 गेन हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? चलिए अब हेडिंग लगाइए इसका, फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ PCl3, ठीक है। ओके देन, तो चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। PCl3 की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो इट इज अ ऑयली लिक्विड, इट इज अ ऑयली लिक्विड, ठीक है। ऑयली लिक्विड होता है ये, कलरलेस होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, कलरलेस होगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो PCl3 की बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है, 343 केल्विन इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। और अगर स्मेल की बात की जाए तो इसकी स्मेल बहुत ही शार्प होती है, बहुत तीखी स्मेल होती है, लाइक अमोनिया, लेकिन अमोनिया की तरह नहीं होता, लेकिन हाँ शार्प स्मेल होता है, शार्प स्मेल। क्लियर है? चलिए, आया इतना समझ में? ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ PCl3। ओके, तो PCl3 का यहाँ पर हमने हाइड्रोलिसिस किया, जहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेपरेट हो गया एंड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी हमारा सेपरेट हो गया। क्या ये बैलेंस है क्या? नहीं। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने? 2 हाइड्रोजन है। चलो 3 लगा दो, 3 × 6 6 हाइड्रोजन हो गए। 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन हो गया, 1 फॉस्फोरस, यहाँ पर 1 फॉस्फोरस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मॉलिक्यूल सेम है, दैट इज अ बैलेंस। तो क्लियर हुआ यहाँ पर हाइड्रोलिसिस, केमिकल प्रॉपर्टी का फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, इसका नाम ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, और नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, रिएक्शन विथ क्लोरीन। मिटा दो इसे। केमिकल प्रॉपर्टी के सेकेंड पॉइंट की बात की जाए तो यहां से हमें गेन होगा क्या, दूसरा हैलाइड, सेकेंड हैलाइड ऑफ फॉस्फोरस। कैसे? यहां पर लिख लीजिए पहले, रिएक्शन विथ क्लोरीन, क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और PCl5 बनाएगा। कैसे? ये हुआ PCl3, ये हमने क्लोरीन और क्लोरीन इसके पास भेजा, एंड इट विल कन्वर्ट इन PCl5, बन गया, ये हमारा दूसरा हैलाइड हो गया, ठीक है। ये फॉस्फोरस का दूसरा हैलाइड है PCl5। क्लियर है? ओके, चलो एक और पॉइंट लिख लीजिए इसमें, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन।
ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही हम PCl3 से ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे तो हमें यहाँ पर गेन होगा क्या, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ हमारा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म होगा। लेट्स सी, ये हमने PCl3 लिया और ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया, देन इट विल बी फॉर्म POCl3। क्लियर है, ये बैलेंस्ड है क्या? नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ दो ऑक्सीजन है, वहाँ पर हमारा एक ऑक्सीजन है। चलो बैलेंस करने के लिए हम दो लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 266 क्लोरीन चाहिए, चलो दो लगा दो यहाँ पर भी, देखो बैलेंस्ड है क्या। एक मिनट ना, ये नीचे का रिएक्शन नहीं दिख रहा होगा, देखो PCl3 प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू POCl3, दो फॉस्फोरस इधर, दो फॉस्फोरस प्रोडक्ट भी गेन हो रहा है, 6 क्लोरीन रिएक्टेंट में है और 6 क्लोरीन प्रोडक्ट में भी है, दो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में, दो ऑक्सीजन। क्लियर है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो और अब हेडिंग लगाओ स्ट्रक्चर। अब हमें PCl3 का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग इज स्ट्रक्चर ऑफ PCl3। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए स्ट्रक्चर ऑफ PCl3। PCl3 की बात करें तो यहां पर भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ऑलराइट, यहाँ पर भी हमारे लोन पेयर होंगे सेम एज अ फॉस्फीन, बस बॉन्ड एंगल यहाँ पर हमारा जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका पिरामिडल ही रहेगा, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, क्लियर है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, स्ट्रक्चर पिरामिडल होगा सेम एज फॉस्फीन, ठीक है। बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर होगा क्या, 100.4 डिग्री, ये इसका बॉन्ड एंगल है। फॉस्फीन का क्या था, PS3, सेम यही था, बस बॉन्ड एंगल उसका क्या था, 94 डिग्री। क्लियर है, ओके। स्क्रीनशॉट लो और हेडिंग लगाओ अब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, PCl, ये हमारा फॉर्मूला है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का। अब हमें इसे कैसे बनाना है लेबोरेटरी में, सेम वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर एक केमिकल प्रॉपर्टी में देखा था कि PCl3 को अगर लगातार क्लोरीन दिया जाए या PCl3 के पास लगातार क्लोरीन को भेजा जाए तो ये PCl5 बना लेता है, ठीक है। चलो PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को जब लगातार क्लोरीन मिलती है तो वो PCl5 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ भी वही केस है, ठीक है। एक रिटॉर्ट लेना है, ऐसे करके आपको रिटॉर्ट ले लेना है, इस रिटॉर्ट में PCl3 ले लेना है, यहाँ से आपको क्लोरीन भेजना है, कंटिन्यू क्लोरीन इसको मिलेगी और आपको यहाँ पर सेपरेट कर लेना है, ठीक है, PCl5 को, ठीक है। PCl5 को भी आप आइस वाटर पे रखो, यहाँ पर आइस के कुछ टुकड़े रख लोगे और इस बर्फ में, बर्फ के टुकड़े पर दूसरा जो फ्लास्क रहेगा उसको रख लोगे और यहाँ से हमारा वेपर आएगा और वो कंडेंस्ड होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो मिटा दो इसको, ये बस समझने के लिए था ना, इसको सीरियस डायग्राम मत मानना। चलो अच्छा, अब इस बात इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की करें तो इट इज़ अ येलो क्रिस्टलीन, ठीक है, ये येलो क्रिस्टलीन होता है और इसकी स्मेल भी बहुत ही शार्प होगी। तो दो ही प्रॉपर्टी रहेगी इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड
कलर इसका येलो होता है, और थर्ड शार्प स्मेल, इसकी भी शार्प स्मेल होगी। क्लोरीन है तो ऑब्वियस है, स्मेल तो शार्प होगी इस पे, ठीक है। इतना है समझ में? ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। ये क्लास 11th में हमने इसे स्टडी किया था। एक क्वेश्चन भी बताया गया था जब फिजिकल प्रॉपर्टी बताई जा रही थी नाइट्रोजन की, या एनोमलस बिहेवियर भी बताया गया था जब नाइट्रोजन का, तो उसमें यह बताया गया था कि PCl5 बनता है बट NCl5 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? तो रीज़न क्या था कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं, ठीक है, डी ऑर्बिटल अवेलेबल है इसलिए ये PCl5 बना रहा है, ठीक है। लेकिन इसके पास डी ऑर्बिटल है नहीं इसलिए पेंटाहेलाइड बनाता नहीं है। अब PCl5 के पास जब डी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं तो ऑब्वियस है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, sp3d। क्लियर है? ठीक है, चलो देखते हैं कैसे कैसे यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। PCl5 सेंट्रल एटम हमारा क्या है, फॉस्फोरस 15। कॉन्फिगरेशन करो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, यही होता है, ठीक है। चलो s हुआ, p हुआ, बिकॉज ऑफ हमें 3d भी चाहिए, 3d के पास हमारे पास 3d के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए यहाँ पर हम भी जीरो पुट कर रहे हैं। ओके, चलो यू आर 3s, यू आर 3p, यू आर 3d, कितने ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर, p में 3, d में 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 3s, 3p, 3d, ओके। 3s2 हमारा फील्ड है पूरी तरह से, 3p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यही है। 11th में पढ़ा था, यहाँ पर सिर्फ रिवाइज हो रहा है। ओके, जैसे ही ये एक्साइटेड स्टेज में जाएगा, एक्साइटेड स्टेज में 3s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d के एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसे एक्साइटेड स्टेज में, ये हमारा ग्राउंड स्टेज में है ना, ये हमारा ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में तो हमने ऑर्बिटल को सिर्फ यहाँ पर फिल कर दिया है, अब इसे हम एक्साइटेड स्टेज में भेजते हैं। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, पी में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से तो अभी कोई लेना देना नहीं है। 3s में हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, जैसे ही इसे एक्साइटेड स्टेज में भेजा गया यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d के एक ऑर्बिटल में आके बैठ गया, हो गया, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप किया 3d में। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, 5 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं जो ओवरलैप कर सकते हैं। तो ओवरलैपिंग के लिए यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है, ऑर्बिटल्स भी 5 है, तो ईजिली ओवरलैपिंग स्टेज में क्या होगा, ओवरलैपिंग स्टेज, तो ओवरलैपिंग स्टेज में क्या होगा कि सारे अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन आकर ओवरलैप कर लेगा। ये मैं ऊपर दिखा रही हूँ, नीचे दिख नहीं रहा है। ओके, तो एक एक क्लोरीन आके इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा, तो हुआ ये एक एस, यहाँ पर 3p, 1d इज इक्वल sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ कैसे आया? ओके, हो गया। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर होता है इसका ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ठीक है। कितने क्लोरीन है, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया फॉस्फोरस, एक क्लोरीन यहाँ,
यहाँ यहाँ, क्लियर है। बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो ये तीन क्लोरीन ये कितने का बॉन्ड एंगल बना रहे हैं, 120, ठीक है। और ये दो क्लोरीन की अगर बात की जाए तो ये बॉन्ड एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का। तो 120 डिग्री यहाँ पर तीन क्लोरीन मिलकर यहाँ पर 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना रहे हैं, इसीलिए ये हुआ ट्राइगोनल। और दो बॉन्ड एंगल यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का, दैट इज अ बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें sp3d, क्लियर है। आया इतना समझ में, हो गया। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके यहाँ पर ऑक्सो एसिड बनाता है। अब किस तरह के ऑक्सो एसिड बनते हैं ये हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए हाइपोफॉस्फोरस। ओके, हाइपो फॉस्फोरस, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बात की जाए तो स्ट्रक्चर इसका होगा क्या, पहले फॉर्मूला लिखिए H3PO2, ठीक है। मतलब यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस होगा, क्लियर है। तो चलिए पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक चीज़ तो क्लियर है, ठीक है। चलो अब हमें यहाँ पर क्या हुआ, एक ऑक्सीजन तो हो गया, एक ऑक्सीजन और बचा है लगाने के लिए, ठीक है। तो एक यहाँ पर लगाते हैं, एक यहाँ पर लगाते हैं, एक यहाँ पर लगाते हैं। तो चलो ये हमने OH यहाँ पर लगा लिया, ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH यहाँ पर लग गया। तो चलो ऑक्सीजन कम्प्लीट हो गया, एक हाइड्रोजन कम्प्लीट हो गया है, फॉस्फोरस तो हमारा सेंट्रल एटम हो ही चुका है। कितने हाइड्रोजन बचे हमारे पास, 2 हाइड्रोजन बचे हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगाओ, क्लियर है। बात अगर इसके ऑक्सीडेशन नंबर की जाए, चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैं बता देती हूँ, या चलो बता ही देती हूँ कैसे करना है। ओके, हमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, फॉस्फोरस का। तो मान लेते हैं फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है 1। हाइड्रोजन की बात की जाए तो कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 3 × 1, क्लियर है। कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, 2 × −2, पता है ना ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है, दैट इज -2 = 0। चलिए सॉल्व करो इसे, ये 3 हुआ, ये x हुआ, ये -4 हुआ, ठीक है। माइनस करो, x -1 = 0, x = क्या हुआ, 1 हुआ, क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा इसका, 1। ऑक्सो एसिड की बात कर रहे हैं हम, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड की बात कर रहे हैं। तो फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड का फर्स्ट होगा आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO2। ओके, स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने बनाया, फॉस्फोरस हमारा सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, ये P आपका बीच में आ गया। अब आपको यहाँ पर दो ऑक्सीजन अरेंज करना है, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन तो हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया, दूसरा ऑक्सीजन हमारा हाइड्रोक्सिल फॉर्म के फॉर्म में आ गया, और दो हाइड्रोजन बचे वो हमारा सिंगल सिंगल हाइड्रोजन यहाँ पर लग गया, क्लियर है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए तो वहाँ पर मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बता दिया है, तो हाइपोफॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 1, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लो और दूसरा लिखो पायरोफॉस्फोरस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट लिखिए पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉर्मूला की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होगा H4P2O7, H4P2O7, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कितने यहाँ पर फॉस्फोरस है हमारे, 2। तो चलो एक फॉस्फोरस यहाँ पर लिया, एक फॉस्फोरस यहाँ पर लिया, ठीक है।
अब दोनों को हम कनेक्ट करेंगे किससे? ऑक्सीजन से, ठीक है। चलो दोनों को हम ऑक्सीजन से कनेक्ट कर देते हैं, डबल बॉन्ड ओ। कितने ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए? तीन ऑक्सीजन हो गए। कितने ऑक्सीजन बचे हैं अभी हमारे पास? चार ऑक्सीजन और बचे हुए हैं। चलो फिर चारों को अरेंज करते हैं, और हाइड्रोजन है चार, दोनों चार चार है ना। चलो ये ओ एच ले लिया, यहाँ पर ओ एच ले लिया, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले लिया, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले लिया, हो गया चार हाइड्रोजन, 1 2 3 4, दो फॉस्फोरस, ये 7 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है इतना? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं यहाँ पर हम। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर कितने हाइड्रोजन है मेरे पास? 4 हाइड्रोजन है, 4 × 1 करो प्लस। फॉस्फोरस का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसलिए हम एक्स मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस है, तो इसलिए हमारे यहाँ 2x हो जाएगा। 2x क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हम फॉस्फोरस का निकाल रहे हैं, जो कि हम x अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस है, इसलिए हमने 2 का x के साथ इंटू किया, तो हमारा 2x आ गया है। प्लस कितने ऑक्सीजन है? 7 है, ये 7 ऑक्सीजन हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का होता है -2। चलो इसे इक्वल 0 कर दिया, सॉल्व करो इसको, 4 + 2x, ये कितना हुआ? -14। 14 में 4 माइनस कर दो तो 2x माइनस कितना हुआ? 10 हुआ। 2x 10 को इक्वल के इधर भेज दो तो -10 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +10 आ जाएगा। तो x इज इक्वल कितना हुआ? 10/2 हुआ, काट दो। x इज इक्वल कितना आया? 5 आया, दिख रहा है ये? एक मिनट अब देखो, ठीक है, 2 5 जा 10, तो x इज इक्वल कितना हुआ? 5। तो यहाँ पर पायरोफॉस्फोरिक एसिड की बात की जाए तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 5। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो इसका, ये एग्जाम में आता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसे लाइटली मत लेना। ये सब आपको लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, नाम लिखना पड़ेगा। क्लियर है? मिटा दो इसे। चलो एक और पॉइंट लिख लो, 3-ऑक्साइड तो पूछता ही पूछता है। ओके, एक और लिख लो, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है ना, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? सेम वैसे ही जैसे पहले आप बनाते आए हैं। ये लिया हमने फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस ले लिया। अब इस फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक तो यहाँ पर पुट कर दिया। क्यों किया हमने? क्योंकि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन हमारे पास 3 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर इसका वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमें डबल बॉन्ड पुट करना ही पड़ेगा। अब 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, लो भाई OH बन गया स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल सा था। क्लियर है इतना? ओके, तो यहाँ पर आपके P डबल बॉन्ड O आपका 1 है, और POH की बात की जाए तो कितने बने? 3 बने, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, वैसे निकालोगे जैसे अभी तक निकाल रहे थे, निकाल लोगे या बताऊं? चलो बता ही देती हूँ। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 मॉलिक्यूल हैं, 3 × 1। अच्छा ये 1 क्यों ले रही हूँ मैं, पता है ना 1 क्यों लिख रही हूँ? भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर 1, ठीक है। फॉस्फोरस का हमको निकालना है इसलिए एक्स मान रहे हैं। ऑक्सीजन का कितना है, मतलब मॉलिक्यूल 4 है, ऑक्सीडेशन में -2 होता है, -2 कहाँ से आया? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 6, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो -2 आया। क्लियर है? चलो सॉल्व करो इसको, 3x - 8 0, ठीक है। एक्स
माइनस 5, एक्स इजिकल कितना आया, 5 आया, ठीक है। तो ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 5, क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, तो ये थे आज के टॉपिक, आज के लेक्चर के टॉपिक, जिसमें फास्फोरस के कंपाउंड ऑफ फास्फोरस की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है इसका फॉस्फीन, जिसके हमने प्रिपरेशन मेथड देखी, लेबोरेटरी मेथड देखी, फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, इसका स्ट्रक्चर देखा। उसके बाद हमने हैलाइड ऑफ फॉस्फोरस पढ़ा। तो फॉस्फोरस दो तरह के हैलाइड बनाता है, PCl3 एंड PCl5, जिसके हमने प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और इसका स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। और लास्ट आपका होगा क्या, ऑक्साएसिड ऑफ फॉस्फोरस, जिसमें आपके 3 ऑक्साएसिड तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं 3 मार्क्स के, जिसमें आपका स्ट्रक्चर, नेम, फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन नंबर, ये। ओके, तो यहाँ पर हमारे फॉस्फोरस के ऑक्साएसिड कंप्लीट होते हैं। ये एग्जाम में आपके 3 मार्क्स के आते हैं, जिसमें नेम ऑफ ऑक्साएसिड, स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, हमने फॉस्फोरस को पूरी तरह से कवर कर लिया है, फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स, प्रिपरेशन मेथड, फॉस्फोरस के हैलाइड, फॉस्फोरस के कंपाउंड, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और ऑक्सोएसिडी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ग्रुप नंबर 15 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप नंबर 16 स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके नोट्स बनाते रहिए, इसके नोट्स बनाइए, इसके प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए।